नमस्कार, आप देख रहे हैं घमासान.com। मैं हूं आपके साथ दीक्षा भानुप्रिया। कैलाश विजयवर्गीय भी दीवाने हो गए रानू मंडल के। हिमेश से कहा धन्यवाद। रानू के वीडियो को बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने देखा और देखते ही देखते रानू मंडल आज देश का चर्चित चेहरा बन चुकी हैं। और अब रानू मंडल की आवाज के दीवाने हुए कैलाश विजयवर्गीय ने हिमेश रेशमिया को थैंक यू कहा है। बॉलीवुड में सिंगिंग डेब्यू करने वाली रानू मंडल के लोग दीवाने होते जा रहे हैं। कोलकाता रेलवे स्टेशन पर गाना गाकर और भीख मांगकर अपना गुजारा करने वाली रानू मंडल आज सोशल मीडिया की मशहूर हस्ती बन चुकी हैं। रानू बॉलीवुड गलियारों से होते हुए अब राजनीति तक आ पहुंची हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के जाने माने नेता कैलाश विजयवर्गीय ने हाल ही में रानू मंडल को लेकर एक बयान दिया है। रानू के वीडियो को बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने देखा और देखते ही देखते रानू मंडल आज देश का चर्चित चेहरा बन चुकी हैं। अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि रानू मंडल पर फिल्म बनने जा रही है, इसका खुलासा भी हो चुका है। लेकिन राजनीति के बड़े बड़े दिग्गज लोग रानू की तारीफ कर रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने तो रानू की वीडियो तक को शेयर किया और साथ ही रानू को अपने जीवन में तरक्की करने के लिए बधाइयां भी दी। रानू के लेटेस्ट सिंगिंग वीडियो में रानू हिमेश रेशमिया के साथ तेरी मेरी कहानी गाना रिकॉर्ड कर रही हैं। इतना ही नहीं, कैलाश जी ने अपने ट्वीट में महान गायिका लता मंगेशकर और जाने माने संगीतकार गायक शंकर महादेवन को भी टैग किया है। रानू मंडल की तारीफ करते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने लिखा, बंगाल में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। कोलकाता रेलवे स्टेशन पर गाकर अपना गुजारा करने वाली रानू मंडल जी की प्रतिभा को पारखी नजरों से खोजा और अब उनकी लोकप्रियता परवान चढ़ रही है। साथ ही उन्होंने हिमेश के लिए भी कुछ लिखा है। उन्होंने लिखा कि इस गायिका यानी कि रानू मंडल को मौका देने के लिए संगीतकार हिमेश रेशमिया जी को धन्यवाद। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।